शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, परंतु सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बायताल प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापक होने से वहां पढ़ने जाने वाले करम हुसैन सहित 165 बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा। मैं ब्रह्मजीत, यह मेरा समुदाय। आप लोगों को किस तरह पढ़ाया जाता है? अच्छी तरह। कौन कौन से क्लास को एक में करके पढ़ाते हैं? कक्षा 3, 4, 5। और आप पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। और इसी तरह 1, 3, 4, 5 को पढ़ाते रहेंगे तो आप डॉक्टर बन पाएंगे? अब यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण शिक्षक कम है, इसलिए 3, 4, 5 को एक में बैठा कर शिक्षण कर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक के ऊपर बहुत बोझ आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे शिक्षण कार्य सही रूप से किया जा चुके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। फिलहाल हम लोग 2 टीचर हैं, दोनों लोग आते हैं बराबर, और उसके बाद में कक्षा को सम्मिलित, कक्षा एक दो को सम्मिलित करके, और फिर कक्षा 3, 4, 5 को सम्मिलित करके, इस तरीके से हम लोग 3 अतिरिक्त कक्षाएँ और इसी 3 में मिला के पढ़ाते हैं। हम लोग सादा आंकड़ा वो दिए हैं और सादा आंकड़ा के आधार पर तो टीचर हमको मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है। टोटल आपके यहाँ बच्चों की संख्या कितना? टोटल 165। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय में नियमानुसार अध्यापकों की नियुक्ति हो, ताकि इन बच्चों की समस्याओं दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप सिद्धार्थनगर जनपद के BSA का मोबाइल नंबर है 94-53-00-41-21 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।